निराश होने की जरूरत नहीं होती, जिंदगी में कभी निराश नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। लेकिन लगे रहो कि निराश होने के लिए तुम केयरलेस हो गए, अरे ठीक है जैसे इस बार किए तो इस बार बस एनालाइज करेंगे कहां प्रॉब्लम रहेगा। जो आप लोग में एक सबसे बुरी आदत है कि अभी से सेलेक्टिव पढ़ने लगे कि ये चैप्टर करेंगे ये चैप्टर नहीं करेंगे, सभी भी यूट्यूब पे क्लास लेता हूँ सर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बता दीजिए किसको किसको पढ़ लेके हमारा हो जाए, ये सबसे गंदा तरीका है। वो सेलेक्टिव तो पढ़ा जाता है आपका जब एग्जाम में एक महीना बचा, अंतिम में हम मनोबल बढ़ाने के लिए कोई बात नहीं कर सिपाही हो अंतिम दंग तो लड़ाई लड़ो, एक महीना बचा है ना, एक महीना जमते रहो इसको इसको तैयार करके करो थोड़ा सा जोर लगाओ हो जाएगा, हम क्यों हिम्मत तोड़ेंगे। लेकिन अभी से आपको क्या है 120 क्वेश्चन पूछता है तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए 120 की बात है। ज्यादातर बच्चों की समस्या होती है कितना एनडीए में फिलहाल करोगे 60 क्वेश्चन कर लेंगे तो हो जाएगा, अरे नालायक हूं 120 में 60 क्वेश्चन का नंबर तो तुम एग्जाम देने पहले खुद ही काट के बैठे हो, 60 हमको करना है तो 60 की तुम अगर तुम्हारे दिमाग में जहां आ गया कि हमें 60 करना है तो तुम तैयारी भी किस हिसाब से करोगे 60 के हिसाब से करोगे, और कोई जरूरी तो है नहीं कि जितना 60 के हिसाब से तैयारी करोगे 60 के साथ एग्जाम में हो ही जाए, 60 की तैयारी करोगे 50 होगा 10 उसमें गलत होगा 40-35 का नंबर मिलेगा रिजल्ट वही आ जाए। तो वो कब किया जाता है, अब अप्रैल का एग्जाम है किसी कारणवश हमने नहीं पढ़ा कम पढ़ा तो अंतिम समय में हम फोकस करते हैं क्या मैनेजमेंट काफी, लेकिन वो अब सफलता की 100% संभावना तक नहीं होती तो हम चांस ले रहे होते हैं कुछ पढ़े रहेंगे कुछ नुकसान, क्योंकि समय होता है जो बीत गया है वो समय वापस लौट के तो आ ही नहीं सकता है, उसका रोना क्यों हो गया हम अभी तक नहीं पढ़े अब आगे उससे बड़े पढ़ना स्टार्ट करो, और उस वाले एग्जाम में नहीं फायदा देगा उसके अगली बार एग्जाम में फायदा देगा, कहीं अगर हम कुछ पढ़े रहेंगे तो कभी नुकसान तो वो नहीं करेगा, करेगा तो वो फायदा है। लेकिन अभी आपके पास जब 6-7 महीना बचा हुआ है एयरफोर्स का एग्जाम देने जा रहे हैं आपका टारगेट 70 में 70 ही होना चाहिए, एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैथ्स में 120 में 130 होना चाहिए, इसमें जीएटी में 150 में 150 टारगेट होना चाहिए। अभी से टारगेट कट करने की जरूरत नहीं होती है, अभी से सेलेक्टिव होने की आपको कोई जरूरत नहीं है, और इतना करके ये टारगेट रख के देखो एग्जाम में होगा कैसे, जहां आपके दिमाग में आएगा कि हमें 120 में 120 में करना है तो आप क्या करोगे जी जान लगाओ इस बार हमको 120 में 120 करना है, अरे कितना आएगा यार उसी में से तो आएगा 120 जब तैयारी किए रहेंगे 80-90 तो हम करेंगे ही करेंगे क्योंकि तैयारी हमारी 120 वाली है, अगर 120 वाली तैयारी होगी तो कभी 30 क्वेश्चन आपसे नहीं होगा 40 क्वेश्चन नहीं होगा, 30-40 कब होता है जब आप तैयारी 60 की करते हैं तब 30-40 होता है, 120 की तैयारी करोगे बहुत बुरी दशा होगी तब भी आप 70-80 करोगे, ह्यूमन एरर की वजह से 2-4-10 गलत भी हो गया तब भी आपको 65 क्वेश्चन का नंबर मिलेगा ही मिलेगा, और मिलेगा तो नहीं होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा, पर कितना मेरिट चली जाएगी 500 चली जाएगी 600 चली जाएगी, सबका 900 में तो 900 नहीं आएगा ना, हमारी तैयारी किस लेवल की है 900 में 900 लेवल की हमने तैयारी की है, तो वो जज्बा तुम्हें दिखाना होगा, सेलेक्टिव नहीं अभी हर चीज आपको तैयार करना है ठीक है। तो एक्सक्यूज कब नंबर की कोई बात नहीं, कितने पे सिलेक्शन होगा कितना पिछला कट ऑफ गया था कितना इस बार गया था वो सब एग्जाम देने के बाद देखा जाता है, अभी हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 2018 में कितना कट ऑफ गया 2021 में कितना गया 2022 अप्रैल में कितना गया सितंबर में क्या गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए कट ऑफ क्या है कितना कट ऑफ 900 में 900 कट ऑफ, हम 900 लाएंगे तब सिलेक्ट, यह बहुत अच्छी बात है तब तुम्हारे दिमाग के ऊपर प्रेशर रहेगा हर चीज आप तैयार कर पाओगे। कितना लोग अगली बार अप्रैल वाले 900 कल बोलने से ना हो आज से उसके लिए लगना हो तो कितना 900 अपॉर्चुनिटी ठीक, तो भावों की दुनिया में नहीं रहना
हकीकत की दुनिया में, और जिस हिसाब से अगर 900 नंबर की तैयारी करो तो मान लो ऐसी तुम्हें रिजेक्ट भी हो, मान लिया एक, तब भी तुम जिस फील्ड में भी रहोगे उस फील्ड में तुम्हारी तरक्की हो गई होगी। सफलता कहीं तो तब तो नहीं होता कि हम इंडिया में सेलेक्ट हो गए तभी सफल होता है, सफल हो जितने आज कंपनी का मतलब बॉस मालिक देखो, सीईओ भले आईआईटीएन, सीईओ जो है वो आईआईटीएन है लेकिन मालिक जो है कॉलेज ड्रॉप आउट, कॉलेज में फेल कर गया, कॉलेज में निकाल दिया, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, चाहे अंबानी का ले लो, चाहे अडानी का ले लो, अडानी आठवीं पास, आठवीं पास ठीक, दुनिया का सेकेंड रिचेस्ट पर्सन है, एलन मस्क की वही दशा है, गूगल का कौन है ये बॉस, नाम बोल रहे क्या सर, सीईओ है ना, बॉस मालिक, माइक्रोसॉफ्ट वाला बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट है, उन्होंने स्टेटमेंट में यही कहा था कि जो जो हमारे साथ पढ़ने वाले 30 मार्क आते आज हमारे यहां नौकरी करते। तो सफलता का ये पैमाना नहीं होता कि हम एनडीए निकाल लिए, एयरफोर्स निकाल लिए, वो क्या अगर सफल भी हो गए तब भी ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, कायदे से अगर सफल हो गए तो असली जर्नी तुम्हारी उसके बाद स्टार्ट होगी, वहां बहुत सारी चुनौतियां आएगी तुम्हारे पास, ऑफिसर बन भी गए तो तुमसे तो ऑफिसर बन गए मतलब हमारी चुनौतियां समाप्त हो गई, क्या होगा वहां नई चुनौतियां सामने रोज तुम्हारे ऊपर प्रेशर आएगा, आज चाइना वाले ने ये स्टेटमेंट दे दिया, ये पाकिस्तान वाले ने ये स्टेटमेंट दे दिया, पता चला बीएसएफ वालों से पंगा चल रहा, आर्मी वालों से तो चलता है, आज वहां आतंकवादी घुस गए हमारे अंदर, ये ऑफिसर से इनको कैसे हम सेव करें, ठीक जितना बड़ा पोस्ट होगा जिम्मेदारी नहीं ज्यादा हो, झाड़ू पोछा करने वाला कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री बने प्रधानमंत्री ऊपर तो पूरे देश की जिम्मेदारी है ना, अभी लेना एक अलग बात है, अरे हमारे मोदी साहब ने ये नहीं किया, हमारे मोदी साहब ने ये किया, डीएम ने ये नहीं किया, सीएम ने ये नहीं किया, डीएम ने ये नहीं किया, ठीक लेकिन जब उस जगह पे पहुंचते हो जितना बड़ा पोस्ट है जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ जाती है, तो आपकी जिम्मेदारी अभी तो जिम्मेदारी कुछ है ही नहीं, अभी पढ़ने के अलावा कोई काम है ही नहीं, और जिम्मेदारी जब तक आपकी सांस रहेगी जितने ऊंचे जगह पे जाओगे उतनी ज्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ जाती है, तो जिम्मेदारियां से भागने के भाई ऊपर नीचे रहेंगे तभी तो जिंदा हो, तो सीधी होकर डॉक्टर क्या कहता है, सारे गए भगवान के पास, तब जिस दिन ऊपर चले जाते तभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो पाते हो, तो अपनी से घबराना उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जी जान से बस असफलता से सीख लेने की जरूरत, असफल आदमी कभी नहीं होता, अगर आंख कम खुला रहे तो क्या वो सीख तो दिया ना कि इतनी तैयारी हमारी इनफ नहीं थी, हमें और जोर लगाना है, तो अब ये विचार करना है कि आखिर हम कितनी तैयारी कर लें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, और उसके लिए क्या है सबसे आसान क्या है 100% की बारे में सोच, अरे कितनों पे सिलेक्शन होगा, 100 में 101 नंबर में पूरी सिलेक्शन होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है 100 हो सकता है, उससे ज्यादा तो हम 100 की तैयारी करेंगे, तैयारी क्या करेंगे 100 की करेंगे, तो कभी आगे के बाद तो कम नहीं 60 नंबर 50 नंबर ये सोचना ही नहीं है, इसकी तैयारी करनी है 100 की तैयारी करनी है, समझ गए लगोगे जज्बे के साथ। यस सर।